गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, 21 डेज का लॉकआउट था इस लॉकडाउन में, जिसमें 10 डेज जा चुके हैं और हमें 10-15 डेज और इंतज़ार करना है इस लॉकडाउन पीरियड में. स्टे एट होम, वर्कआउट एट होम. और मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगी कि इतने दिनों से जो हम आपको वीडियो शेयर कर रहे हैं, आपने खुद जो ट्रेनिंग की हुई है उसके हिसाब से, इफ़ यू कैन डू समथिंग फॉर योर कार्डियो, समथिंग फॉर योर स्ट्रेंथनिंग एंड फॉर योर फ्लैक्सीबिलिटी, दिस इज़ द राइट टाइम विच इज़ वेरी गुड टू रिकवर योर इंजरीज, हील योर इंजरीज, इंक्रीज योर फ्लैक्सीबिलिटी एंड विद दैट क्रिएट बॉन्डिंग विद योर फैमिली मेम्बर्स. कॉल कर लो, किया कि नहीं किया, रोज अपने लव्ड वंस को कॉल करो, उनको मोटिवेट करो, अपने एक्सरसाइज के वीडियो शेयर करो और रिलीजियसली एक घंटा सुबह एक घंटा शाम आपने अपने फिजिकल एक्टिविटी पे देना है. बी सेल्फिश फॉर योर ओन बॉडी. जब तक आप फिट नहीं रहेंगे आपका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं होगा, और अगर इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो आप इस कोरोना वायरस से फाइट कैसे करेंगे. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस लॉकडाउन पीरियड में आप घर में रह के भी मस्त रहें, व्यस्त रहें, फिट रहें और रोज़ वर्कआउट करें. उस वर्कआउट में अगर आपने कार्डियो करना है तो आप स्टेयर रनिंग कर सकते हो, यू कैन गो फॉर स्किपिंग, एज लॉन्ग एज यू कैन डू. स्टार्ट विथ 10 मिनट्स, स्टार्ट विथ 5 मिनट्स, दैट्स ओके. डू समथिंग. 30 मिनट्स की एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है. आप पूरी बेंडिंग कर सकते हैं, बॉडी रोटेशन कर सकते हैं, नेक रोटेशन से स्टार्ट कर लें, फिर शोल्डर रोटेशन करें, उसके बाद फिर साइड बेंडिंग करें, फ्रंट बेंडिंग करें, बैकवर्ड बेंडिंग करें, लेग स्ट्रेचिंग करें, और उसके बाद फ्लोर एक्सरसाइज. फ्लोर एक्सरसाइज में भी दो तरह की होती हैं, कुछ आप सिटिंग कर सकते हैं, कुछ लाइंग डाउन कर सकते हैं. लाइंग डाउन में भी दो तरह की होती हैं, कुछ आप ऑन द स्टमक कर सकते हैं और कुछ आप ऑन द बैक कर सकते हैं. जितने आसन आते हैं, जिस तरह से आते हैं उसको करिए, उसमें आप 30 मिनट्स यूज़ कर सकते हैं अपने. तो इस तरह से आप 30 मिनट्स अगर कार्डियो कर लें, 30 मिनट्स आप स्ट्रेचिंग कर लें, तो एक दिन का वर्कआउट पूरा हो जाता है. और कुछ स्ट्रेंथनिंग कर लें. स्ट्रेंथनिंग के भी बहुत सारे वीडियोज़ होंगे, गूगल पर जाइए. जुम्बा, एक तो जुम्बा जो है वो बहुत मस्त चीज़ है, छोटे बच्चे से लेके 80 इयर्स तक के एंजॉय कर सकते हैं. लाफिंग थेरेपी कौन नहीं कर सकता. लाफिंग थेरेपी में आप घर का माहौल ही बदल सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें करके आप अपने आप को फिट रखें, अपने आप को व्यस्त रखें, एक बॉन्डिंग बनाएं फैमिली के साथ, और कॉल करके अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताएं आपने क्या किया. तो ज़रूर बताओगे ना, ठीक है.